शीजा बाबी को कुछ हो गया, प्लीज जल्दी चलो। क्या बोल रही हो? प्लीज जल्दी, शीजा बाबी पीछे के पीछे बात नहीं करते क्या? रुक जाओ, मम्मी रिपोर्ट चले यहाँ पे। क्या बदतमीजी है, तेनो इतनी अकल नहीं है क्या? आरती ऐसे बीच में नहीं रुकते। मम्मी जी, इसी भाभी को कुछ हो गया, प्लीज चलिए ना, प्लीज चलिए भैया, प्लीज। बंधु तुम इधर बच्चों के साथ रुकना और आरती कंप्लीट करना, हाँ? मैं देखती है ईशु को क्या हो गया है। मम्मी जी, आप ही रहिए, मैं नहीं जाऊंगी। इशिता भाभी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। इशिता, क्या देखा तूने? वो इशिता। चल मेरे साथ। नहीं मैं नहीं। चल ना। देख ले अपनी आंखों से। क्या नहीं देखा जा रहा था तुझसे? हैं? क्यों है? ये दिखाने के लिए तूने आरती रुकवाई थी? मैंने खुद यहाँ पे देखा था मम्मी जी, मैंने खुद देखा था। इशिता भाभी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, सामान सारा फैला हुआ था इनके, और वो आवाज इनकी नहीं थी, किसी और की थी। मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों। मैंने लग रहा है बहुत काम करा लग गई है, जब भी तेरा दिमाग खराब हो गया है। रोमी देखा तूने, आज बोल रही है कि इशिता चिल्ला रही थी, वो पागल हो गई है। कल बोलेगी मेरी सास पागल हो गई है, हर वेले चिल्लाती रहती है। आप इशिता को आराम करने दो। क्या हो गया आप सब लोग यहाँ पे? नहीं पुत्र, हम एनजे तेनु देखने आगे से। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बस बॉडी एक है बहुत। तू सो जा पुत्र, आराम से सो जा। शायद मम्मी जी सही कह रही थी, मुझे शायद कुछ गलती हुई है, काम के स्ट्रेस से शायद मुझे कुछ पता नहीं चला। कल की क्लासेस के टाइमिंग्स, फोन कहाँ गया? मैं अभी ना हॉल में चार्जिंग पे लगा कर भूल गया।
सारिका क्या हो गया? तुम खिड़की पे क्या देख रही हो इतनी रात को? वो मैंने अभी किसी एक परछाई देखी मैंने अभी यहां तो कोई नहीं है। रात हो गई जाके सो जाओ। भाभी आप ठीक हो ना? मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो वही, आज भोग में मेरी समदर ने नमकीन पोंगल भेजा है। ओए, तू फिर शुरू हो गए? ला एक प्लेट इधर आ। तेरे मना की तसी ना इशिता। मम्मी जी मैं चल, तेरे और भी आराम की जरूरत है। बैठ जा, चुप कर, चुप करके बैठ जा। सबक करना है। Good morning, Simi. How are you? अरे अभिषेक, प्लीज आओ ना अंदर। Yeah. अभिषेक बहुत सही टाइम पे आया पुत्र। नमस्कार अंकल। और बैठो, नाश्ता करो। नहीं अंकल, नाश्ता हो चुका। चाय तो पीलो। अरे नहीं यार रमन, दरअसल मैं शगुन के बारे में कुछ बात करने आया। एक्चुअली हमने शगुन के सारे फोन रिकॉर्ड्स और ईमेल्स वगैरह ट्रैक कर लिए, चेक कर लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हम किसी पे शक कर पाए। लेकिन अभिषेक, तुमने तो कहा था कि शगुन के फोन रिकॉर्ड्स में अशोक का नंबर मिला था। हाँ मीर, और अशोक खन्ना से हमने बात भी की, लेकिन उसने हमें बताया कि शगुन से उसकी सिर्फ 2-3 बार बात हुई थी, वो भी बैंक स्टेटमेंट्स की इंक्वायरी के लिए। अब उसके बेसिस पे हम उसे शक के दायरे में तो नहीं डाल सकते ना। सॉरी मीर, दिस वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ सुसाइड, नथिंग एल्स। इस केस को हमें यहीं पे बंद करना होगा। बाकी अगर कोई पेपर वर्क हो जो शगुन के लिए मुझे करना हो, लेट मी नो अबाउट इट। उसके लिए तुम्हें थाने आने पड़ेगा और फॉर्मेलिटीज वहीं पे पूरी करनी है। मीर, क्या देख रहे हैं भाई? जानता हूं सब छोड़कर चले गए, लेकिन आप लोग हैं ना मेरी फैमिली, बस आप लोगों को खुश देखना चाहता हूं, नथिंग एल्स। ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस में मिलता हूं। रमन, मैं भी चलता हूं। मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी, चले। अरे मीका, आज तो तुम छुट्टी ले रही थी ना, हमने मूवी देखने जाना था। क्या यार, कितना काम करती हो, कभी तो छुट्टी ले लिया करो। वन सेकंड, तुम्हारी अभिषेक के साथ मूवी डेट, पहले क्यों नहीं पता? जाओ, छुट्टी है तुम्हारी, गो एंजॉय योरसेल्फ, जाओ जाके मूवी देखो। नहीं मीर, आज मीटिंग है ना ऑफिस में, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम किसी और दिन चलें। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, सब कुछ कैंसिल तुम्हारे लिए, सब कुछ मैं हैंडल करूंगा। एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन बोथ। कोई फर्क नहीं पड़ा इसे, देखा तुमने अभिषेक, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो यार, I'm sorry, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। मुझे लगा उसे जेलेसी होगी, लेकिन didn't matter to him. Hey, but anyway, छुट्टी तो तुम्हें मिली गई, मूवी देखने चलते हैं, लंच भी करेंगे। नो अभिषेक, देखो अभी मैं घर पे हूँ तो मैं पहली माँ की हेल्प ही कर देती हूँ, कितने काम होते हैं।
अभिषेक तेरे साथ ये प्लान तो कामयाबी नहीं हो रहा। हाँ तो मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स ले लेना। नहीं मैं कोशिश करूंगी ना दोपहर तक आने की। वेलकम वेलकम। हाँ और सुनो डॉक्टर इस तक क्लिनिक नहीं आ रही, पेशेंट से कौन कहीं और जाके दांत तोड़वा ले। व्हाट रामन, अरे मैं ठीक हूँ। तो ठीक हो तो पूरी जिंदगी पेशेंट के साथ बिताओगी, कुछ वक्त मेरे साथ भी बिता लो। ड्राइव पे चलें, बहुत दिन हो गए। एक बात मैं सोच रही थी, शगुन के बाद डॉक्टर मनोज पता नहीं किस हाल में होंगे, हम एक बार उनसे जाके मिल लें। अरे बैठा है, लेकिन उससे पहले इधर को तोहफा देने के लिए किसी ओकेजन का होना जरूरी थोड़ी। चंद विशद लाइफ का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब हाथ से निकल जाए। जितनी बची एक दूसरे के साथ प्यार से गुजार लेते। लेकिन मनोज एक बार फिर सोच लो, तुम सचमुच दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हो? इस घर से बहुत यादें जुड़ी हैं शगुन की रमन, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया है। तुम्हारे इतने इतने पेशेंट्स हैं, यू आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली, सब कुछ अचानक छोड़ के जाना सही होगा? हाँ रमन वो सब ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा यार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। ऐसा लगता है कि अभी इस दरवाजे पर आई और मुझसे कही कि चलो मनोज डिनर पे चलते हैं। अगर मैं यहां रुका तो मैं जिंदगी भर उसी का इंतजार ही करता रहूंगा। रमन प्यार तो मैंने किया है उससे, वो सिर्फ तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते को एक चांस दे रही थी। मनोज देखो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिशो
इशिता 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 रमन रमन वेट वेट इशिता ये डुप्लीकेट चाबी इसे खोलते इशिता इशिता तुम अभी चिल्ला रही थी क्या हुआ हाँ क्यों क्या हुआ है अरे लेकिन हमने सुना अभी तुम मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ सॉरी एक एक्सक्यूज एक्चुअली मनोज पिछले कुछ दिनों से इशिता बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है मुझे लगता है कि शगुन की मौत का सदमा लगा उसे बहुत स्ट्रेस्ड है इस वक्त कुछ भी पूछोगे उसे समझ नहीं आएगा तो आई होप यू अंडरस्टैंड ओके रमन चले निश्चित ये क्या है ये शगुन का सामान है घर ले जा रही थी शगुन की चीजें तुम मेरे साथ कैसे ले जाओगी हाँ बस कुछ चीजें हैं मुझे लगा शगुन के लिए बहुत खास होंगी आई थॉट घर में ले जाके कहीं रख देंगे इन्हें शिता इट्स नॉट डन रमन दैट्स ओके अगर वो ले जाना चाहती है तो उसे ले जाने दो रमन चलिए देखिए तुम्हारे हाथ को जो ब्लीडिंग ये सकता है वो पैक पैक करते समय कुछ लग गया होगा इधर आप बैठो इधर मैं लाता हूं मैं ओके रमन इट्स ओके दैट्स फाइन इतना खून निकल रहा है इशिता तुम हाँ ये मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।